आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे के मामले में से लोगों के अपने संबंध कैसे खराब हो सकते हैं उसके बारे में। क्या होता है कि हमारे आजू बाजू वाले लोग हमको पैसे मांगते रहते, उधार मांगते रहते, भाई थोड़ा पैसा दे दो कुछ काम है, और फिर संबंध में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरोग तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरोग तथा व्यसनी लोगों को हम बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास में लोग जो रहते हैं तो कुछ लोगों को उसमें से, सभी नहीं, मांगने की आदत है, पैसे मांगने की आदत रहती है, और लोग पैसे मांगते रहते हैं उधार, 5,000, 2,000, 10,000। ये इसलिए भी हो सकता है कि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, और फिर इधर से पैसे लेंगे, उधर देंगे, उधर से लेंगे, इधर देंगे, कुछ खर्चा करेंगे और अपना जीवन कार्य चलाते रहेंगे। और क्या होता है कि हम कभी उनको पैसे मांगने गए तो लोग आप तो बोलेंगे आपको क्या कम है, बाद में दूंगा, ऐसा वैसा करके टाल देंगे। हो सकता है कि आपके 10,000 रुपये आपने दिए होंगे, 20,000 दिए होंगे, 50,000 दिए होंगे, 1,00,000 दिए होंगे, और आपको पैसे वापस नहीं आते होंगे। जब हम पैसे देते हैं तो वो तो पूरा वादा करता है, वो तो एकदम हाथ पैर जोड़ लेगा, बहुत ही ऐसा मतलब ये करेगा कि भाई वो कितना गरीब इंसान है और कितना अच्छा है, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, पैसा कैसा वापस करेगा, ऐसा सब कुछ बोलेगा। आपके पास में ऐसा मतलब पैसा मांगने के पहले 8-15 दिन ऐसा व्यवहार करेगा कि वो बिल्कुल आपका सगा है, एकदम क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव, ऐसा व्यवहार करेंगे, और फिर धीरे से पैसे मांग लेंगे। अभी आज आप ये तय करो कि आपने जिसको भी पैसे दिए हैं उनको पैसे आप वापस मांगो, कुछ नहीं होगा। हम क्या करते कि बुरा दिखेगा, अच्छा दिखेगा नहीं, मैं कैसे पैसे मांगू, पैसे मांग लिया तो मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे इसमें लोगों को हम पैसे मांगते ही नहीं। मेरे जो प्रोग्राम्स मैं कभी लोगों को लेक्चर देता हूँ उसमें बोलता हूँ कि आज लोगों को पैसे मांग लो आप, और जहाँ भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं पैसे मांगू, वहाँ जाके तो पहले पैसे मांग लो और पूरी उधारी हफ्ते में वसूल कर डालो। क्या होगा, वो बोलेंगे एक तो मैं पैसे देता हूँ या नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ तो आपको जो भी करना पड़ता होगा वो करो, लीगल एक्शन लेते होंगे लीगल एक्शन ले लो, लीगल एक्शन आपको नहीं लेना है तो मत लो, लीगल एक्शन लेने की इच्छा में अगर नहीं ले सकते क्योंकि लिखा पढ़ी कुछ नहीं है तो मत करो, मगर पैसे तो मांग लो, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। उससे कमिटमेंट ले लो कि मुझे मतलब मैं आपको ये तारीख को पैसे वापस दूंगा, इस तरह से पैसे वापस दूंगा। अब दूसरा विषय मैं यहाँ बोलता हूँ, एक तो लोगों को पैसे देना ही नहीं चाहिए, मतलब लोन करके, कर्जा करके लोगों को पैसा देना ही नहीं चाहिए। हमने कितना भी रिलेटिव नज़दीक का हो, होता क्या है कि हम पैसे देते हैं और बाद में वो पैसे जब वापस नहीं करता तो हमारे पैसे भी चले जाते हैं और हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। पैसा उतना ही दो लोगों को कर्जा करके या उधार करके जितना हम पचा सकते हैं, मतलब मैं पचा सकता हूँ कि भाई ठीक है मैं 5,000 10,000 देता हूँ, उसने वापस दिए भी नहीं तभी वो बोनस है ऐसा समझ के दे दो, वो मतलब बोनस है, मतलब वो मिल गया तो बोनस है इस तरह का, कि भाई मिल गया तो बोनस, अदरवाइज वो गया हुआ है। मतलब आप कहीं भी किसी को भी, दोस्त को या रिलेटिव को पैसे देते हो तो ये समझ के दो ये पैसा मिलेगा तो बोनस, दिया नहीं उसने तुम्हें संबंध खराब करने के नहीं, मतलब इस तरह का आप व्यवहार करते हैं तो ही आपके पैसे के मामले में आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करेंगे, देने के समय आप सीधी बात करेंगे, देने के समय आप देख लेंगे कब पैसा वापस करने वाला हो, नहीं तो आप पैसे देंगे ही नहीं। और आप यदि आपको देना ही है, नहीं बुरा दिखता है, अच्छा दिखता नहीं, बेचारा, देना चाहिए, उतना ही पैसा दो कि वो वापस नहीं आया तो आपको दुख नहीं लगेगा, उसने दिया तो बोनस है, उस दिन लॉटरी लग गई अपनी वो पैसे की। इस तरह का कर दे तो आपके संबंध भी खराब नहीं होंगे लोगों के, आपका पैसा भी जाएगा नहीं, क्योंकि लोग पैसे के मामले में बहुत लूज रहते हैं, पैसे के मामले में लोग अपनी जबान रखते नहीं, और पैसा हमेशा हर व्यक्ति को कम पड़ता है, कितना भी रहा तो भी कमी है उसको, और कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती है कि काफ़ी खर्चे करना जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा, और फिर वो खर्चा मतलब पूरा करने के लिए, लोगों के पैसे देने के लिए इधर उधर से कर्जा मांगते रहते हैं। तो इस तरह के आप यदि ख्याल रखते होंगे, देना ही है किसको संभाल के देना, दिया तो कमिटमेंट लेना, और सिर्फ मुंह वाली कमिटमेंट नहीं है,
कुछ लिखा पढ़ी आप करते हो, कुछ कागज़ लिख के लेते हो, कुछ चेक लेके लिखते हो, उसको बाय चेक पैसे देते हो, तो वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम उसको वैसे ही दे देते पैसे, चलो ऊपर के ले ले 5,000, 20,000, 25,000 कैश दे देते, ना लिखा पढ़ी है ना कुछ है, कल मंग भी सकते नहीं है, कल कोर्ट में भी जा सकते नहीं, और संबंध खराब हो जाते हैं मांगने के लिए गए तो। इस तरह से आप यदि लोगों से व्यवहार करेंगे तो मैं आपको पक्का बताता हूँ कि आपके संबंध भी खराब नहीं होंगे और आपके पैसे भी जाएंगे। और जिनको आपने पैसे दिए उनको आज ये वीडियो देखने के बाद तुरंत कुछ भी ये मन में ना लाते हुए सीधा फ़ोन करो और उनसे कमिटमेंट ले लो कि आप मेरा पैसा कब वापस करने वाले हो। मैं आपको वचन देता हूँ, पक्का बताता हूँ कि आपके पैसे ज़रूर ये हफ्ते में आ जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो। आपके काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, दोस्त लोग, कि जिनके पैसे ऐसे लोगों के पास में पड़े होंगे और वो मांगते नहीं होंगे, हर एक का फ़ायदा हो जाएगा। ज़रूर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वहाँ जो बेल आता है ना, बेल का चित्र वहाँ, उसको उसके ऊपर भी क्लिक करो, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। हमारा जो मिशन है वह है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ लेते हैं ये अभियान में तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और लोग उनका जीवन पावरफुली जी सकेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।